नमस्कार, मैं वन्नू सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। बिहार में मिले 1727 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,45,861। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1727 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,861 हो गई है। बिहार में फिलहाल 18,708 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। भागलपुर से गुड्डा लाइन भारतीय रेल का हिस्सा होगी, दिसंबर से पैसेंजर को बड़ा तोहफा। दिसंबर से भागलपुर हंसडीहा गुड्डा नई लाइन भारतीय रेल का नया हिस्सा होगी। नई लाइन पर 6.5 किलोमीटर रेल लाइन और बिछाई जानी है। इस रेल सेक्शन पर 25 पुलियों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान काम में थोड़ी बाधा भी आई थी, लेकिन अब सब ठीक है। बाढ़ से हुई भारी तबाही, केंद्रीय टीम ने भी माना। बिहार ने केंद्र से मांगे 33,028 करोड़ नुकसान पर। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आई अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने माना है कि बिहार में भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में आई 6 सदस्यीय टीम ने गोपालगंज, दरभंगा व मुजफ्फरपुर का दौरा करने के बाद इसे स्वीकार किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, कांग्रेस प्रभारी गोहिल बोले, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर दिक्कत नहीं। बिहार कांग्रेस प्रभारी सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कहा कि सभी सहयोगी एकजुट है और पूरी मजबूती से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। वह शुक्रवार शाम पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर कहा कि अब बात करने के बहुत साधन है, इसके लिए पटना आने की जरूरत नहीं है। बिहार के इस जिले में एकमात्र सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता रद्द, नए सत्र में नहीं होगा बीएड एमएड में एडमिशन। बिहार के सहरसा जिले में एकमात्र सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब कॉलेज में 2020 से 21 के सत्र में छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ईस्टर्न रीजनल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि CTE की मान्यता समाप्त करने का फैसला लिया गया है। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, चुनाव से पहले दलित की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दलित वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाए। अनुसूचित जाति जनजाति की विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें। भागलपुर में अब TTC उपकेंद्र को बिजली सबौर ग्रिड से मिलेगी। भागलपुर में TTC उपकेंद्र अब CS उपकेंद्र से अलग हो जाएगा। सबौर ग्रिड से TTC को सीधे बिजली मिलेगी। सबौर ग्रिड से TTC उपकेंद्र को 33 kV लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है। एक सप्ताह में काम पूरा होगा। इसके बाद ग्रिड से सीधे TTC उपकेंद्र को बिजली मिलेगी। वर्तमान में सिविल सर्जन उपकेंद्र से TTC उपकेंद्र को बिजली आपूर्ति की जा रही है। एक सप्ताह में TTC को ग्रिड से सीधे बिजली मिलने लगेगी। इससे लोड की समस्या का भी काफी हद तक समाधान होगा। शिक्षक दिवस 2020, बच्चों ने मंगाए ऑनलाइन गिफ्ट, समारोह आयोजन नहीं कर पाने का बच्चों में मलाल। भागलपुर में इस बार लॉकडाउन की वजह से स्कूलों में शिक्षक दिवस में कोई समारोह नहीं हुआ। इससे बच्चों को इस बात का काफी मलाल है। इस दिन का बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्कूल नहीं खुलने से उन्हें मायूस होना पड़ा। बच्चे शिक्षकों को गिफ्ट देने के लिए ऑनलाइन गिफ्ट भी मंगाए हैं। बच्चे अपने चहेते शिक्षक को घर पर गिफ्ट भिजवा रहे हैं। किसी ने टी शर्ट, पेन, कैप, मास्क और सैनिटाइजर भिजवाए हैं। चली चलाई की बेला में दलित प्रेम ना दिखाएं नीतीश। गोहिल बोले, अब वक्त चुनाव में जाने का है। बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेलते हुए हत्या के बाद परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की जो योजना की,
व विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने भी आरजेडी के बाद नीतीश की इस घोषणा को चुनावी झुंझुना बता दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि चली चलाई की बेला में नीतीश कुमार केवल झूठे वादे कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सबको पता है कि चंद दिनों में बिहार के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी, काम कुछ भी नहीं होना है, लेकिन नीतीश कुमार चुनावी सिगुफा के तौर पर दलित प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। नीतीश के लिए फिर ढाल बन गए मांझी, चिराग के बाद तेजस्वी पर भी किया पलटवार। नीतीश कुमार से नई दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे जीतन राम मांझी लगातार उन पर होने वाले हमले का जवाब दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पहले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर जवाबी हमला बोला और अब नेता प्रतिपक्ष ने जब नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो मांझी एक बार फिर बचाव में उतर पड़े हैं। जीतन राम मांझी ने दलित के सवाल पर नीतीश कुमार का समर्थन किया है। यहां 3 साल पहले पुल के संपर्क पथ बाढ़ में हो गए थे ध्वस्त, अब तक चचड़ी बना के ही चला रहे हैं काम। सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी तो इलाके से जा चुका है, लेकिन ना इसका अर्थ है कि लोगों की दुश्वारियां कम हुई है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी सूख रहा है, लोगों के कई दुख दर्द सामने आ रहे हैं। लोग अपने जीवन में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं का निदान करने की जदोजहद कर रहे हैं। तेजस्वी ने किया वादा, राजद की सरकार बनी तो सबको मिलेगा रोजगार। विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष युवाओं को रिझाने में जुटे हैं। राजद ने शनिवार को चुनावी मुद्दों की लाइन स्पष्ट कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा है कि रोजगार के लिए कोई भी युवा उनसे संपर्क कर सकता है, अपना बायोडाटा और संपर्क सूत्र दे सकता है। वेबसाइट का नाम है www.berozgarihatao.co.in और टोल फ्री नंबर है 9334302020 पर मिस्ड कॉल देकर निबंधन कराया जा सकता है। तेजस्वी पहले से ही युवाओं से जुड़ी समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए उछाल रहे थे।